गुड मॉर्निंग भाई, आवाज क्लियर है क्या मेरी? हेलो बताओ बेटा, आवाज क्लियर है? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग पूजा, गुड मॉर्निंग राहुल। जल्दी बोलो बेटा, सबके सब आए। पहले मैसेज आते तो भी क्लास है, लेकिन फिर भी टाइम पे नहीं आते। सिर्फ 15 बच्चे हो, खुद बहुत जरूरी काम हो जाता है क्या? क्लास सिर्फ जरूरी काम हो जाता है कि हाँ मैम कैसे क्लास लगाए, है ना? घर वालों ने बहुत इंपॉर्टेंट काम दे रखा है आप लोगों को। और जो भी नोटिस ये आया है ना कि भी प्रमोट कर रहे हैं, अभी तक हमारी यूनिवर्सिटी नहीं, हमारे स्टेट पे नहीं आया है, यूपी का है वो, तो उसे देख के भी खुश मत हो। अभी कोई हमें ऑफिशियल नोटिस नहीं मिला कि आपके एग्ज़ाम नहीं होंगे, आप प्रमोट हो गए, तो पढ़ लो, सीरियस हो गए। कुछ नहीं पता, ऑनलाइन एग्ज़ाम हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, प्रमोट हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते। तो अभी तक कोई भी, जब तक ऑफिशियल नोटिस नहीं मिलता ना, तो तब तक आप इस वहम में मत रहना कि आप प्रमोट हो रहे हो, पढ़ लो, ठीक है? तो सबको पता था ना आज टेस्ट है, सब प्रिपरेशन करके आए होगे, पढ़ के आए हो सभी? गुड मॉर्निंग रोहित, गुड मॉर्निंग सुमित। मोनिका तो पढ़ के आई भाई। गुड मॉर्निंग अर्जुन, देशिका नहीं पढ़ा है। क्यों इंदराज पढ़ा क्यों नहीं? विकास नहीं पढ़ा है। मैंने क्लास में, मैंने लास्ट जब क्लास लीजिए, मैंने बताया था कि मैं आप लोगों का एक टेस्ट लूँगी। एक मिनट वेट करती हूँ, जो चाहे ज्वाइन कर सकते, उसके बाद जितने बच्चे होंगे ना, उन्हीं को मैं टिक मार्क कर लूँगी और उन्हीं के अटेंडेंस लूँगी। आज मैं अटेंडेंस पहले लूँगी और फिर लास्ट में लूँगी। अभी मत भेजे बेटा कुणाल, जब मैं बोलूँगी तब देनी होती अटेंडेंस। अटेंडेंस इंश्योर में रोल नंबर नहीं लूँगी, सिर्फ नाम लूँगी। नाम बोल के जिस बच्चे से क्वेश्चन पूछूंगी ना, वही मुझे आंसर देगा। जैसे कुछ बच्चों को मुझे नाम याद है, विकास है, मुस्कान है, मोनिका है, बाकी मैं सबके नाम ले लूंगी। गुड मॉर्निंग ईशू, गुड मॉर्निंग रविदत्त। चलो करें स्टार्ट। गुड मॉर्निंग प्रियंका, स्टार्ट करें। ठीक है, ये माफी चहल 49, नाम क्या बेटा आपका? बेटा अटेंडेंस अभी कोई नहीं देगा मुझे, जब मैं मांगू अटेंडेंस मुझे तभी दो। चलो ये जो क्वेश्चन है ना, अब मैं आप लोगों के ना कमेंट ऑफ कर रही हूँ। ये क्वेश्चन है जो, ये दीपक, रोहित, मोनिका, ये आंसर देंगे मेरे को फर्स्ट क्वेश्चन का, और मैं करूँ आपका कमेंट ऑफ। तो एक मिनट है, फटाफट फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर टाइप करें। यूनिवैक की फुल फॉर्म लिखनी है यहाँ पे।
एक कह रहा दीपक शर्मा का मैसेज आया मेरे पास। रोहित भी बता रहा है, दीपक ए बता रहा है। हाँ बेटा, मेरी तो सारी क्लासेस यूट्यूब पे हुई हैं, मैंने तो कोई क्लास जूम पे नहीं ली। बस इतने बच्चों ने बताना था। कहाँ गया मोनिका, आप कम सुनी आया? मोनिका बोल रहे हैं दिया सी, ईशु ने दिया है ए। चलो भाई सुनो, इसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ऑप्शन ए वाले जितने बच्चे थे सब राइट थे, ठीक है। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। बस अब तो मैंने आंसर बता दिया भाई, वेरीफाई हो गया, अब कोई जवाब नहीं देगा। सेकंड क्वेश्चन कमेंट ऑफ कर रही हूँ। द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय कंप्यूटर, कंप्यूटर के द्वारा बेसिक ऑपरेशन कौन कौन से हैं? कंप्यूटर क्या क्या काम करता है? कमेंट अपने मैसेज रख लो टाइप करके, मैं कमेंट ऑफ है 10 सेकंड बाद कमेंट ऑन कर दूंगी। बेटा साथ में लिखा करो, सेकंड का ए है, सेकंड का बी। अच्छा सबका आंसर आ रहा डी। सबको याद था ये? हाँ डी इसका राइट है बेटा, सेकंड का डी बिल्कुल राइट है, क्योंकि जो आपका कंप्यूटर है उसके अंदर ALU भी होता है और स्टोरेज भी होता है। ALU अकेला अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है, स्टोरेज आपकी मेमोरी हो गई, तो ये सारे काम होते हैं। ओके सेकंड का बी नहीं बेटा, सेकंड का बी नहीं है, सेकंड का डी है। जिनका डी है वो राइट है। जो आपका कंप्यूटर होता है उसका जो आपका ब्लॉक डायग्राम होता है, जिनको अभी डाउट है बेटा एक बार वो क्लियर करो इस चीज को। ऐसा कुछ ब्लॉक डायग्राम था, यहाँ पे था आपका ALU, यहाँ CU और यहाँ मेमोरी, और इस पोर्शन पे था सेकेंडरी मेमोरी। तो बेसिक ऑपरेशन ये प्रोसेसर वाले ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, यही तो है अर्थमेटिक एंड लॉजिक। मेमोरी यहाँ आ गई तो स्टोरेज से रिलेवेंट हो गया, तो ये तीनों काम हो रहे हैं, तो ऑल ऑफ द अबव आएगा ना, तो इसका डी ही राइट ऑपरेशन राइट आंसर है। कमेंट ऑफ आप बताओ, द टू मेजर टाइप ऑफ कंप्यूटर चिप कौन कौन से हैं? कंप्यूटर चिप और आंसर ऐसे लिखना है, 3 का ए है, बी है या सी है या डी है, 3 साथ में जरूर लगाओगे। अब मैं कमेंट कर रही हूँ ऑन, बताओ 3rd का डी। अभी तक सबका 3rd का डी आ रहा है।
हाँ भाई थर्ड का है डी, बिल्कुल करेक्ट आप सभी। अब कमेंट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन सुनो, प्रोसेसर एज ए स्विचिंग डिवाइस। सिंपल सा क्वेश्चन कहता है कि माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन में आया था, माइक्रो प्रोसेसर कौन से जनरेशन से बिलोंग करता है। टाइप करो, कमेंट ऑन कर दूं। फोर्थ का भी, अभी का अटेंडेंस नहीं भाई, अभी का है फोर्थ का भी, मोहित का है फोर्थ का डी, सिर्फ दो, अंकित का फोर्थ का डी, ऋषिका का डी, लोकेश का डी, रविदत्त का बी, विकास का है फर्स्ट जनरेशन यानी ए, यानी किसी का ए आ रहा है, किसी का बी आ रहा है, किसी का डी आ रहा है, किसी का सी आ रहा है, सबके अलग अलग आ रहे हैं। तो फर्स्ट जनरेशन में क्या था, फर्स्ट जनरेशन में क्या था भाई, जो फर्स्ट का ए दे रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन में क्या डिवाइस यूज किया था हमने, वैक्यूम ट्यूब, याद है। सेकंड में क्या था, ट्रांजिस्टर। थर्ड में आईसी। माइक्रोप्रोसेसर कब आया, फोर्थ जनरेशन में। तो जिनका ऑप्शन डी था वो सही है, बाकी जिसने बताया वो सब गलत है भाई। फर्स्ट में आपका वैक्यूम ट्यूब था, सेकंड में ट्रांजिस्टर था, थर्ड में आपके आईसी आया था इंटीग्रेटेड चिप, फोर्थ जनरेशन में आपका माइक्रोप्रोसेसर आया था। कमेंट ऑफ कर रही हूं। बीस सेकंड का टाइम है, इसमें को पढ़ना मैं थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। देखो बोल रहे बेटा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर। मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर के बीच में क्या डिफरेंस बताना है। ये पहला ऑप्शन कहता है कि सुपर कंप्यूटर बड़ा होता है मेन कंप्यूटर से, मेन फ्रेम कंप्यूटर से। सेकंड ऑप्शन कहता है कि सुपर कंप्यूटर छोटा होता है मेन फ्रेम कंप्यूटर से। थर्ड आपका कहता है कि जो सुपर कंप्यूटर होता है वो जो उसका फोकस होता है वो कुछ ही प्रोग्राम पे होता है, लेकिन मेन फ्रेम कहता है कि वो प्रोग्राम ज़्यादा कर सकता है। डी कहता है कि सुपर कंप्यूटर का जो फोकस होता है वो कम होता है डी कहता है कि सुपर कंप्यूटर आपका ज़्यादा प्रोग्राम कर सकता है, मेन फ्रेम आपकी कम प्रोग्राम करता है। अब मैं करूँ कमेंट ऑन, पढ़ लिए होंगे सबने, एक बार और देख लो भाई स्टार्टिंग से। ऑप्शन ए, सुपर कंप्यूटर का साइज बड़ा है मेन फ्रेम से। ऑप्शन बी, सुपर कंप्यूटर का साइज छोटा है मेन फ्रेम से। ऑप्शन सी कहता है कि सुपर कंप्यूटर का जो काम करता है वो कम करता है, कुछ ही प्रोग्राम पे अप्लाई होता है, मेन फ्रेम ज़्यादा करता है। ऑप्शन डी कहता है कि सुपर कंप्यूटर का जो प्रोग्राम है वो ज़्यादा है एज कम्पेयर टू मेन फ्रेम। फर्स्ट का डी है, फर्स्ट का बी है, फर्स्ट का ए है, फिफ्थ का ए है, डी है, किसी ने भी सही आंसर नहीं दिया बेटा। सबका गलत, ये तो उम्मीद नहीं थी भाई। सुनो मेरी बात, ये है आपका सुपर कंप्यूटर, ये है मेन फ्रेम कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर क्या थे, सुपर कंप्यूटर स्पेसिफिक के लिए बने थे, स्पेसिफिक, जैसे कि वेदर कास्टिंग के लिए हो गई, ठीक है। साइज बड़ा था नो डाउट मेन फ्रेम से, लेकिन किसके लिए बने थे वो स्पेशल पर्पस के लिए बने थे, स्पेसिफिक हो गए थे, साइंटिफिक थे। अगर जो चीज़ स्पेसिफिक है वो क्या करेगी, कुछ स्पेसिफिक काम को ही परफॉर्म करेगी, सारे काम परफॉर्म नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसलिए इसको ऑप्शन सी राइट है कि जो आपका
सुपर कंप्यूटर है ना, वो स्पेशल पर्पस के लिए बनाए हुए कंप्यूटर्स हैं। ऑप्शन सी इसका राइट है, सुपर कंप्यूटर आर फोकस्ड टू एग्जीक्यूट फ्यू प्रोग्राम एज फास्ट एज पॉसिबल, क्योंकि वो जब काम ही कम करेंगी, जिनको सिर्फ एडिशन ही करना है वो जल्दी करेगी एज कम्पेयर टू उस सिस्टम के जिसको एडिशन भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है, डिविजन भी करना है। फिफ्थ का सी सही है भाई, बाकी बहुत कम हो का आया है सी। चलो अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, मैं कमेंट ऑफ कर रही हूँ। स्काई और ई बी सी डी आई सी आपकी क्या है, कोडिंग है, तो ई बी सी डी आई सी की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए कहता है एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, बी कहता है एक्सटेंडेड बिट कोड डेसिमल इंटरचेंज कोड, सी कहता है एक्सटेंडेड बिट केस डेसिमल इंटरचेंज कोड, डी कहता है एक्सटेंडेड बाइनरी केस डेसिमल इंटरचेंज कोड। अब बताओ कौन सा राइट है। फुल फॉर्म बतानी है आपको ए बी सी डी आई सी की इन चार ऑप्शनों में से। कमेंट ऑन कर रही हूँ बेटा। चलो अगली बार मैं जो क्वेश्चन होगा उसको दो तीन बार रिपीट कर दूंगी। सिक्स्थ का बी, सिक्स्थ का बी, सिक्स्थ का डी, बी डी बी डी दो ऑप्शन आ रहे हैं भाई, बी डी आ रहा है, ए आया है विकास का, यानी ए बी ओ डी तीन ऑप्शन आ गए। सी ने क्या गुनाह किया भाई, सी क्यों नहीं बोला कोई भी, सी ने कोई गलती कर दी क्या, सारे ए बी डी पे जा रहे हैं, कोई ए बोल रहा है, कोई बी बोल रहा है, कोई डी बोल रहा है। लो भाई सी वाले बंदे भी आ गए हैं, हरेंद्र ने सी बताया। चलो सुनो, पहला ऑप्शन एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज, ठीक है। सेकंड है बिट कोड। चलो इन दो क्वेश्चनों में तो कंफ्यूजन हो सकता है भाई, केस कहाँ से यूज कर लिया, कोडेड फॉर्म यूज कर रहे हैं, केस क्यों यूज करेंगे हम, तो यहाँ से गलत। सी तो नहीं आएगा। सेकंड में भी यूज किया है केस वर्ड, नहीं आएगा। अब ए और बी की लड़ाई है, एक्सटेंडेड बाइनरी बोल रहा है, एक्सटेंडेड बिट बोल रहा है, ठीक है। ये बताओ आपका कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज पे काम करता है, बाइनरी बिट क्या है, बिट तो यूनिट है ना स्टोरेज की, जीरो है या वन है वो बिट है, लेकिन काम किस पे कर रहा है, बाइनरी पे। ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन चले अमन, ऑप्शन ए राइट है एक, सिक्स्थ का बी नहीं बेटा। कमेंट ऑफ पढ़ो भाई। सेवेंथ क्वेश्चन, द ब्रेन ऑफ एनी कंप्यूटर सिस्टम, कंप्यूटर का ब्रेन हम किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन तो मेरे ख्याल से किसी का गलत नहीं होना चाहिए, जिसका गलत हो जाएगा ना
तो उसका मतलब उसने कोई क्लास लगाई ही नहीं। सेवेंथ का सी सी ले भाई, एक एल वाला बच्चा आ गया। मेमोरी का भी है यानी ए बी सी, भाई डी भी बोल दो। भाई इसका राइट आंसर सी है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कंप्यूटर का ब्रेन है वो सीपीयू होता है। सीपीयू डिसाइड करता है कि कौन सा डाटा स्टोर होना है, कौन सी प्रोसेसिंग होनी है, किसका क्या काम करना है। ठीक है, तो सीपीयू इज राइट। मैग्नेटिक डिस्क पढ़ाया था मैंने आपको, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होता है मैग्नेटिक डिस्क। तो जो मैग्नेटिक डिस्क है ना, जो आपको स्टोर करता है डाटा, वो कैसे करता है, ट्रैक पर इंच, बिट पर इंच, डिस्क स्पेस पे, या ऑल ऑफ अबव। ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, रीड करो। सबका सही है, एट्थ का डी है। नहीं बेटा, डी है जिसने सी बताया है, कोई और बताया है, ऑप्शन डी इज राइट। परवीन वर्मा, इतने डी लिखने की जरूरत नहीं थी, एक डी से पता लग रहा था कि डी ऑप्शन है। डी 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 बहुत डी लिख दिए। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कमेंट ऑफ कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो आपके मेन मेमोरी है उसके टाइप बताओ, मेन मेमोरी के। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, मेन मेमोरी के टाइप बताने, प्राइमरी, सेकेंडरी, रैंडम, सिक्वेंशियल, रोम एंड रेम, एंड ऑल ऑफ द अबव। नाइन्थ का ए, नाइन्थ का ए आ रहा है, नाइन्थ का सी आ रहा है, नाइन्थ का डी आ रहा है, यानी ए वालों की मेजोरिटी है, तो मेजोरिटी साथ जाए। अच्छा सी वाले भी काफी हैं, ए बी सी डी। परवीन ने सारे बता दिए जिसके साथ भी। Thank you.
नाइन्थ का एक लॉक कर दिया जाए। चलो एक्सप्लेन करें भाई। देखो मेन, मैंने आपको बताया था बार बार मेन मेमोरी फोकस करो। अगर सिंपल पूछा जाए कंप्यूटर की मेमोरी तो दो होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी, ठीक है। लेकिन प्राइमरी मेमोरी कौन सी होती है? मेन मेमोरी होती है। अब प्राइमरी के पार्ट कौन से होते हैं? रैम एंड रोम। ऑप्शन सी इज राइट। मेमोरी के दो टाइप, मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी, मेन मेमोरी को बोलते हैं प्राइमरी मेमोरी। इसके कौन से टाइप होते हैं? रैम और रोम। बेटा हिंदी मीडियम प्रैक्टिकल में लिया है तो आप हिंदी में बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रैक्टिकल और आप पेपर किसी भी लैंग्वेज में दे सकते हो, चाहे वो हिंदी हो चाहे वो इंग्लिश हो, मर्जी आपकी है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी है, रोम एंड रैम। कोई मुझे अटेंडेंस नहीं भेजेगा, मैं किसी की अटेंडेंस नहीं ले रही। ऑप्शन सी राइट है नाइन्थ का। चलो अब मैं कमेंट कर रही हूँ ऑफ, क्वेश्चन पढ़ेंगे टेंथ। इनमें 500 है, इतना ही काफ़ी है। देखो ये क्वेश्चन कम कर दिया। क्वेश्चन कहता है कि एक स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डाटा विद कंपनसेट फ्रॉम अ डिफरेंट स्पीड विद अ डिफरेंट यूनिट कैन हैंडल। इसको मैं क्वेश्चन को मैं समझा देती हूँ, सुनो। एक सिस्टम ये है, एक ही है। ये जो डाटा सेंड कर रहा है वो सेंड करता है 10 मैसेज पर सेकेंड, ठीक है। इसके एक्सेप्ट करने की स्पीड है भाई 8 मैसेज पर सेकेंड। तो ऐसा कौन सा डिवाइस यहाँ, क्या यहाँ यूज होएगा ताकि इनकी स्पीड को कंपनसेट किया जा सके? क्वेश्चन है ये, अब इनके आंसर बताओ क्या होएगा। ए स्टोरेज एरिया यूज टू स्टोर डाटा टू ए कंपनसेट फॉर द डिफरेंट स्पीड इन विच डिफरेंट यूनिट कैन हैंडल डाटा। मेमोरी होगा, बफर होगा, एक्युमुलेटर होगा। कमेंट ऑन टेंथ का बफर आया भाई, टेंथ का बफर बताया है, टेंथ का बफर बताया है, और टेंथ का, हाँ सब अभी तक तो बफर बता रहे हैं। बिल्कुल भाई, टेंथ का बफर ही है आंसर, क्योंकि बफरिंग क्या करता है, बफरिंग हमारे स्पीड को थोड़ा मैच करने की कोशिश करता है, ठीक है। उस टाइम के लिए, टेम्परेरी टाइम के लिए उस डाटा को स्टोर कर लेता है। तो टेंथ कब भी इज राइट। नाउ कमेंट ऑफ इलेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। इलेवेंथ क्वेश्चन कहता है कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायरसम्स एंड बोर्डम्स। टायरसम का मतलब थकता नहीं और बोर नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर की एडवांटेज एक करैक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ी थी जिसमें कहते हैं कंप्यूटर कभी थकता नहीं है, कंप्यूटर कभी बोर नहीं होता है, उसे हम क्या कहेंगे? एक्यूरेसी, रिलायबिलिटी, डिलिजेंसी या वर्सेबिलिटी? टेंथ का बी, टेंथ का बी भाई, टेंथ हो गया, इलेवंथ पे आ जाओ। इलेवंथ का सी, इलेवंथ का बी, इलेवंथ का बी, इलेवंथ का ए, ए बी सी तीनों ऑप्शन आ गए, एक डी रहता है, डी किसी ने दिया अभी तक। इलेवंथ का बी, सी, सी और बी ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है,
तो क्या करें, वन बाय वन पढ़ लें। एक्यूरेसी का क्या मतलब होता है? तो जो जंग है ना वो सी और बी के अंदर है, कोई कहता है रिलायबिलिटी, कोई कहता है डेलिजेंसी। जो मेन जंग है वो सी और बी के अंदर है भाई, एक्यूरेट पढ़ते हैं। एक्यूरेसी क्या कहते हैं? एक्यूरेसी कहती है कि आपका रिजल्ट एक्यूरेट होना चाहिए, मतलब जो आपका डिजायर रिजल्ट है वो आपको मिलना चाहिए, एक्यूरेसी यही है। रिलायबिलिटी क्या कहती है? रिलायबिलिटी का मतलब होता है कि रिजल्ट रिलायबल हो, मतलब कि उसके ऊपर प्रेशर है लेकिन वो रिजल्ट रिलायबल दे रहा है। ऑप्शन सी कहता है कि कंप्यूटर कभी थकता ही नहीं, उसको एक ही प्रोग्राम आप 10 बार कराओ, 20 बार कराओ, 100 बार कराओ, वो बोर नहीं होता, वो थकता नहीं, हर बार आपको एक्यूरेट रिजल्ट देता है। ठीक है, मतलब कि ऑप्शन सी वाले जीत गए। वर्सेलिटी का मतलब होता है बहुत सारे काम, डिफरेंट डिफरेंट। हाँ, 11 सी यानी जिनका डेलिजेंसी के साथ जो गए थे वो जीत गए। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। अच्छा, एक ही क्लास स्टार्ट हो गई है। चलो कोई बात नहीं बेटा, हम कल कंटिन्यू कर लेंगे, हमारे कल भाई थोड़ा जल्दी क्लास कर लेंगे। 7, ठीक है, 7:40 पे क्लास स्टार्ट हो जाएगी, ताकि कल ये कंप्लीट करते हैं क्वेश्चंस को। तो 11 तक हमारे क्वेश्चन हो गए हैं, अब अटेंडेंस दे दो अपने फटाफट। कल 7:40 क्लास रहेगी, सबको बता दें टाइम से ज्वाइन कर लें। अब अटेंडेंस दो सेक्शन वाइज। अब मैं लिख रही हूँ, अनु विकास बेटा सेक्शन और रोल नंबर मैसेज करो। साहिल, मोनिका, एकता, मोहित, मोहनिका, अभिषेक, अजय, प्रदीप, कोमल, मोहित। उठना पड़ेगा बेटा 7:40 पे क्लास लगानी है, तो अब 8:30 बजे इको क्लास स्टार्ट हो जाती है आपकी, 9 बजे से और सब्जेक्ट की क्लास होती है। मैंने पूरे 50 क्वेश्चन सेट किए थे, हुए हमारे सिर्फ 11 क्वेश्चन है। इसलिए क्या लिखा आपने? आगे क्या सबके अटेंडेंस? अच्छा, अंकुश लिख रही थी इशू, और कल भी आपका टेस्ट है, पढ़ के आना अच्छे से। चलो ठीक है बेटा, मैं अब क्लास फिनिश कर रही हूँ, और अगर को ओके भाई।